नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेगोन टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, मेगोन टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और मेगोन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि मेगोन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में मेगोन टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। मेगोन टैबलेट का उपयोग माइग्रेन को ठीक करने के लिए किया जाता है। माइग्रेन होने पर बहुत तेज सिरदर्द होता है। माइग्रेन का सिरदर्द ज्यादातर सिर के एक हिस्से में होता है, लेकिन माइग्रेन का दर्द पूरे सिर में भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों में माइग्रेन का दर्द होने पर सिरदर्द होने के साथ साथ उल्टी आना या उल्टी आने का मन होना आदि लक्षण भी हो सकते हैं। इसके अलावा चक्कर आने की समस्या को भी ठीक करने के लिए डॉक्टर मेगोन टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। मेगोन एक ब्रांड नेम है। मेगोन टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन फ्लुनारिजिन होता है। मेगोन टैबलेट 5 mg व 10 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि मेगोन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में मेगोन टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में मेगोन टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे नींद अधिक आना, शरीर का वजन ज्यादा होना, शरीर में थकान होना, भूख का बढ़ना, कब्ज, उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना और पेट में बेचैनी की समस्या हो सकती है। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों में मेगोन टैबलेट की वजह से मुंह में सूखापन, त्वचा पर रैशेस, सिर चकराना और नींद न आने की समस्या हो सकती है। अगर आपको मेगोन टैबलेट को लेने के बाद कोई भी असामान्य लक्षण होता है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि मेगोन टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। मेगोन टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। मेगोन टैबलेट को शाम के समय लेना रिकमेंडेड होता है। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर मेगोन 5 mg टैबलेट या मेगोन 10 mg टैबलेट को दिन में एक बार और शाम के समय लेने की सलाह देते हैं। लेकिन मेगोन टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको मेगोन टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना मेगोन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि मेगोन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में मेगोन टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। डिप्रेशन होने पर और पार्किंसंस डिजीज होने पर मेगोन टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है, इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना मेगोन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। मेगोन टैबलेट को लेने के बाद ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यकता होती है, क्योंकि मेगोन टैबलेट की वजह से कुछ व्यक्तियों को नींद ज्यादा आने की समस्या हो सकती है। मेगोन टैबलेट केवल माइग्रेन के अटैक को होने से रोकती है। मेगोन टैबलेट माइग्रेन की वजह से हुए सिरदर्द को ठीक नहीं करती है, इसलिए मेगोन टैबलेट को माइग्रेन की वजह से हुए सिरदर्द को ठीक करने के लिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में मेगोन टैबलेट काम नहीं करेगी। अगर किसी व्यक्ति को मेगोन टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को मेगोन टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं मेगोन टैबलेट को ले सकती है या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए मेगोन टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को मेगोन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका मेगोन टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।